हर साल यहाँ पे आपदा क्यों आती रहती है? बाबा केदार की माया कोई समझ ही नहीं पाया, तीसरा नेत्र खोल दिया था महादेव का, तीसरा नेत्र केदार घाटी में ही बार बार क्यों? दूसरी बात एक और है, एक गौ माता है उत्तराखंड के अंदर, किसी को पता भी नहीं होगा अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राय सिंह तंदोरी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, पिछले कई सालों से लगातार पूरी केदार घाटी में हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से जानते हैं ये आपदाएं बार बार इस केदारनाथ घाटी में ही क्यों आ रही हैं और बादल बार बार क्यों फटते हैं, हर साल यहाँ पे आपदा क्यों आती रहती हैं? सबसे पहले बाबा जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। जय श्री केदार। बेटा ये आपदा तो हमारी चीजों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको नजायज तंग करा जा रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, गलत गलत काम हो रहा है, तो इसके लिए आ रही हैं। और चारों धाम में इसलिए आती हैं कि चारों धाम ही सुरक्षित है, एकदम उज्ज्वल है। और जो ये बाबा ग्यारह ज्योतिर्लिंग है बाबा केदार, अब यहाँ भी अगले अभी 2013 में इतना बुरा हाल आया कि पूछो मत। इस बार बाबा का प्रकोप ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जितने यहाँ हैं उतने नीचे हैं, उससे दुगने नीचे लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा उन्हीं को बुला रहे हैं जिनको दर्शन देने, नहीं तो उनको बुला ही नहीं रहे जिनको दर्शन नहीं देने। बाबा केदार की माया कोई समझ ही नहीं पाया। 6 महीने रहते खुले, 6 महीने नीचे प्लेन में रहते हैं, लेकिन इस बार 6 महीने यात्रा चलने ही नहीं दे रहे बाबा, क्योंकि इतना बुरा हाल है कि कई बार रोड कभी इधर से टूटा कभी उधर से टूटा, मतलब ये सिर्फ काय के लिए जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो त्रासदी करी जा रही है, उन चीज़ों से पहाड़ को नुकसान होता है, फिर पहाड़ गिरता है। बारिश होती है तो हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, रोड बंद हो जाते हैं, बहुत ब्लॉक हो जाते हैं। तो बाबा केदार की माया तो अटूट है और उनकी लीला कोई समझ ही नहीं पाया ना समझ पाएगा, क्योंकि तीन लोग के स्वामी हैं वो, और तीन लोग के स्वामी का मतलब यह है कि वो तीनों लोगों में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझ रहा है ना समझ रहा है। ऐसे पहनावे पहन के आ रहे हैं, कोई अच्छा कर्म से नहीं आ रहे हैं, कोई धार्मिक उत्सव से नहीं आ रहे, भजन से, सब इतने ऐसे हिसाब से आ रहे हैं कि पूछो मत। साधु साई रहेगी जब ही जब वो ऐसा काम होगा, क्योंकि ये तो प्राचीन काल की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कौन बना सकता है? ये तो बनाने वाले भी चले गए और बनाने वाले रहे भी नहीं, लेकिन उनके नाम और कर्म हैं। क्या भाई ये किसका बनाया भाई? पांडुओं का जी। तो ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी अटूट कृपा है, और ये खुद महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयं शंभू हैं। इसके लिए और देखने वाली बात यह है कि अंदर इनके जाके दर्शन करेंगे ना तो आप किर्त किर्त हो जाएंगे, आपकी थकान वादा लेना देना, आप ये कहेंगे कि मैं, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है बाबा के दर्शन करने के बाद, दुख बीमारी संकट सब पड़ जाते हैं बाबा के दर्शन करने से। और ये मोक्ष धाम है, बाबा के तीन द्वार हैं, तीन द्वार में एक मोक्ष धाम है, वो भगवान विष्णु का है, वो बंद ही रहता है वहाँ पे। मरने के बाद भी मोक्ष है, जो आदमी जीते जी नहीं आया उसकी मरने के बाद भी वहाँ से मोक्ष होती है, और फिर बाबा के द्वार उनके चरणों में पहुँच जाता है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। जैसे यहाँ पे किन लोगों को अक्सर यात्रा करनी चाहिए और किन लोगों को की यात्रा यहाँ पे पुण्य के फलदायी के तौर पर मानी जाती है? देखो असल में तो यात्रा तो बुजुर्गों की बताई गई है, 60 साल से हम उम्र है, 50 साल की उम्र है, उन लोगों की यात्रा बताई गई है। माता पिता के साथ लाएं, माता पिता को दर्शन कराएं, तब जाके उनका परिण फूल फल होगा उनका, नहीं तो ये तो खुद आ रहे हैं, माँ बाप को घर में छोड़ दिया है, किसी को पानी की दुख है, किसी को पैर से चलने का दुख है, किसी को दवाई ला के देनी है, लेकिन वो यात्रा में आ रहे हैं। तो ये कोई फलदायक काम नहीं है, एक तरफ अपने आप को छोड़ रहे हो और एक तरफ आप अपनी यात्रा के लिए भाग रहे हो, तो वो कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। औलाद को ये सोचना चाहिए कि हमारे मात पिता ही हमारा तीर्थ हैं, क्योंकि सोचने की बात यह है कि सच में बड़ी बात कि मात पिता ने कैसे दुख उठा के हमको जन्म दिया है, कैसे दुख उठा के हमको पाला है, कैसे हमारे मुंह में निवाला देते हैं, कैसे हम लोगों को गीले में सूखे में सुलाते हैं, खुद गीले में सोते हैं, ये नहीं समझ पा रहा है आने वाला जनरेशन हमारा। जो समझ जाएगा तो मात पिता की कदर बढ़ जाएगी और उनका देखभाल और उनका रहन सहन किसी को भी दुखदायी नहीं होगा। अभी औलाद अपनी माता पिता को ला के कहीं हरिद्वार छोड़ रही है, कहीं ऋषिकेश छोड़ रही है, कहीं केदारनाथ छोड़ रही है, अभी अगले साल ही एक माता जी को एक जोड़ा छोड़ के चला गया बहू बेटे का, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। भगवान को मतलब ये अच्छा नहीं लगता है, भगवान ने सबको जन्म दिया है, सबको रहने का भजन करने का टाइम दिया है, अरे जब तक तुम्हारे को सब कुछ बना के दे दिया तो वो बुरी लगने लगी। माता तो माता ही होती है, माता जैसी चीज़ तो जगत जननी है, कभी मिलेगी नहीं ना उसका कभी जिंदगी में उसका उदाहरण करा जाएगा ना, हम उसका जिंदगी भर उसका कर्ज दे सकते हैं। सबसे बड़े भिखारी तो हम उसके तन के और मन के हैं, जिससे हमारे को पाल पलोस के 9 महीने बाद हमें जन्म देके फिर हमारी परवरिश करी और हमें पाल पलोस के इतना बड़ा करा कि हम संसार को समझा सकें, अच्छा चला सकें,
साधु साई तो मैंने इसलिए लिया है कि तीन भाइयों में एक भाई साधु बन भी गया तो क्या है। बाबा का भजन करने के लिए कुछ कष्ट रोग तो दूर होंगे, किसी का अपने साथ पीढ़ी तार दी है बेटा मैंने। और नागा बाबा भीमगिरी कहते हैं मेरे को, अर्जुना खाड़े का महात्मा हूँ मैं। अभी 2025 में कुंभ आ रहा है इलाहाबाद का, वहाँ भी हमारी रावटी लगेगी और नागाओं के आपको दर्शन होंगे। आप लोग पूछते हैं कि नागा लोग कहाँ रहते हैं, तो नागा लोग ऐसी वाटियों और घाटियों में रहते हैं, इसके लिए हम लोग आपको दर्शन नहीं दे पाते हैं। और ये मीडिया के जरिए, ये भक्तों के जरिए ही हमारे आपको लोग दर्शन होते हैं। बाबा की कृपा है बहुत, भोले बाबा की, बोल केदारनाथ भगवान की जय। महाराज जी, जो 2013 वाली आपदा आई थी तो उस टाइम पे क्या आप यहीं थे उस टाइम पे भी, या आप कहीं और थे? नहीं देखो, 2000 की जब आपदा आई तो मैं नीचे वाले आश्रम में रहता था। अच्छा। जो मेरा जंगल चट्टी में कुटिया है। अच्छा। वहाँ पे रहता था, तो वहाँ मेरा पानी उनी नहीं आया। तो दूसरी बात है, हम लोगों को रामबाड़ा से फिर हिली से उतार दिया गया था 5 दिन बाद। तो 5 दिन के अंदर हम लोगों ने वही जो मिला, फल फूल आड़ू के पत्ते, ये वो जो भी खाने को मिलता वही खा के अपना गुजारा करते रहे 5 दिन तक। उसके बाद मैं ऊपर नहीं आया। और लाशें, और इतना भयंकर रोल था वो कि क्या बताऊं, कि भगवान भोलेनाथ ही स्वयं क्रोधित हो गए थे। तीसरा नेत्र खोल दिया था, तो इसके लिए तीसरा नेत्र खुलने से प्रभाव बदलता है। दूसरी बात एक और है, एक गौ माता है जिसको कामधेनु गौ कहा गया है, उनके सींग पे हमारा पूरा पृथ्वी का भार है। तीन हिस्से धरती, दो तीन हिस्से पानी है, दो हिस्से धरती है। तो वो धरती जब वो अल्ट पल्ट करती हैं सींग पे, तो ऐसी परले आती है। वैसे 100 साल बाद ये केदारनाथ में परले आनी आती ही आती है, क्योंकि ऊपर इतनी झीलें हैं, इतने कुंड हैं, तो ये सब पहाड़ पर्वत जो है सब बोलते हैं, जागी जीती मूर्ति हैं ये। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा था कि तुम पर्वतों की पूजा करो, इनकी पूजा करो, तुम उनकी पूजा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें खा रहे हैं मार रहे हैं। तो इन्हीं के लिए वातावरण शुद्ध करो, और शुद्ध वातावरण में आओ, बाबा केदार के दर्शन करके आप किर्त किर्त हो जाएंगे, जो पाप है वो पुक्ष हो जाएगा आपका, और इतना आनंद आएगा कि कहेंगे हर बार हम यहाँ पर आए। अभी दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत, आप आते के साथ ही कहेंगे हम वैकुंठ में आ गए, वैकुंठ का दर्शन हो गया। महाराज जी, दिल्ली से मेरे को एक बात याद आई, जो दिल्ली में मंदिर बनने जा रहा है श्री केदारनाथ के नाम से, उसका क्या क्या असर होने वाला है यात्रा पे, और क्या असर नहीं है? उससे कुछ असर नहीं होगा, धामी जी ने वो बंद करवा दिया है। अच्छा। दूसरी बात एक और है, अब धामी जी ये बोल रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं होगा, और वो यहाँ पे आके भगवान भोलेनाथ से, बाबा से प्रार्थना भी करके गए हैं और सब कुछ करके गए हैं, तो वो इस बात के लिए फील नहीं है। करें नक्शा और नाम और सब चीज़, उसकी डिजाइन बदल दिया जाएगा, मंदिर बनेगा, मंदिर नहीं रुक सकता। मंदिर क्योंकि किसी भी देवता का बना सकते हैं, भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रभावित हैं, किसी नाम से भी और रख सकते हैं और शिवलिंग स्थापना कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये 12 ज्योतिर्लिंग तो धार्मिक ज्योतिर्लिंग है, हाँ इनके लिए इनकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता, इंसान तो छोटी सी बात है, राजा महाराजा नहीं बना पाएंगे इन मंदिरों को, जो ये तो देवताओं के बनाए हुए मंदिर हैं। 108 मंदिर हैं जो शंकराचार्य के प्रभावित किए हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, किसी को पता भी नहीं होगा अभी। तो ये बात है कि जो पर्वत के, ये देखो इसके अंदर पत्थर देखो, आप एक पत्थर नहीं उठा पाएंगे, बनाना तो बहुत दूर की बात है, मजदूरों से काम करा के बनाया तो क्या बनाया, अपनी वास्ता से अपनी आस्था से बनाओ ना। पांडु तो 5 ही भाई थे, 6वां करण था, लेकिन सबसे बड़ी है कि उनके अंदर शक्ति और उनका भाव था, उनको अपने गुरु पीरों से अपने मुक्ष करनी थी, क्योंकि जो उनको बुजुर्गों ने समझे वो हमने मारा है, उनसे मुक्ष मांगी थी। माता कुंती को ही सपना आया था जब जाके वो मंदिर निर्माण करा गया, भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और भगवान विश्वकर्मा जी ने ये मंदिर का निर्माण करा। और सबसे बड़ी बात यह है, फिर भगवान शंकराचार्य जी को मोदी जी स्थापना करके गए, फिर अभी देखो ये भीमशिला है हमारे यहाँ पे, फिर सानेश्वर महादेव हैं बाबा जी, इधर भगवान भैरवनाथ जी यहाँ पे फलदायक हैं, सब देखभाल करते हैं, नीचे कुंड हैं, 7 कुंड हैं यहाँ पर, एक अमृत कुंड का जल जितना प्रवाहित है कि पूछो मत, दुख में, मुसीबत में, दुख दर्द में, सब में काम आता है, जिसको जरा सा पिला दो सब दुख दर्द भूल जाता है, वो कहता है मैं जन्नत जन्नत में अमृत पी लिया, तो वो अमृत ही है, अमृत कुंड है वो। महाराज जी, मैं एक और सवाल आपसे थोड़ा करूँगा, ये महादेव का तीसरा नेत्र हमेशा और हर बार केदार घाटी में ही बार बार क्यों खुल रहा है, और यहाँ पे जो ये त्रासदी इतनी आ रही है, महादेव इतने क्रोधित यहाँ पे क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा? देखो महादेव का तो क्रोध होना बिल्कुल उज्जवल है, जो भी बात थी वो हो नहीं रही है, जो कर्म था वो बन नहीं रहा है। देखो लंबा रोड घुमा दिया है, लंबे आस्था कर दी है, अभी जैसे धारा देवी माई का मंदिर काट के ऊपर लगा दिया है, 108 गांव खाली हुए बेटा वहाँ पे,
108 गांव के अंदर परले में वो खाली करने पड़े। तो ये आस्था से खेल रहे हैं तो उससे खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो गलत है। बाबा नहीं चाहता, जैसे है वो कहता वैसे ही रहने दो। एक मनी में इसमें चंबा में स्थान है भरमौर 84 में, वहाँ पर इन लोगों ने आस्था करी कि हम बिजली लगाएंगे, वो बाबा ने एक झटके में खंभे ला के रोड में डाल दिए। तो उनसे कौन जीत पाएगा, कौन जीता है? हम लोग तो उनके टुच फूल हैं, जब जी चाहेगा मरोड़ के फेंक देंगे। तो ये समझ के इंसान को उसी आस्था से रहना चाहिए जो अच्छा करे, अच्छा बने, अच्छा रहे। भगवान जय जयकार है भोलेनाथ की। ये पर्वत और ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमें वायु और हमारे को प्रदूषण, ये गंदगी कैसे ख़त्म होगी? इनके लिए ये भी ज़रूरी हैं, ये भी बोलते हैं, भगवान भजन करते हैं। हाँ, कभी देखो बादल का रस्ते हैं तो ये भी उनके साथ बोलते हैं। तो यही चीज़ें देखने वाली हैं। हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर है कि कोई इसको समझ ही नहीं पाया, ना इसका कोई निर्माण कर पाया, ना इसको सोच पाया। बोल केदारनाथ भगवान की जय। और जो भी ये भगत ने बनाई है, और उसके बाद केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जरूर आएं। बाबा तुम्हारी आस्था सबकी पूरी करे। बोल केदारनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।